बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली हमारे पास जो है वो एक फंक्शन होता है जिसमें लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो फंक्शन, और इसमें आ जाता है लिमिट y टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ x, और इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू ज़ीरो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन y। अगर ये इसके इक्वल आ जाए, ये फंक्शन इसके इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो है वो फंक्शन रिपीटेड हो जाता है, रिपीटेड फंक्शन हो जाता है, मतलब रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट्स, हम कहेंगे फिर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट्स, और ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ये इसके लेट सपोज ये जो है ये इसके नॉट इक्वल हो जाता है, तो जो है ये फंक्शन हो जाएगा और फिर इसमें रिपीटेड रिपीटेड लिमिट नॉट एग्जिस्ट और फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। सही, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो है हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इसका, ये जो है ये अप्लाइड नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स जो बीएससी की मैथमेटिक्स है उसका है। एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये है सिर्फ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स का है, ये अप्लाइड का नहीं है। सही है, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। चेक रिपीटेड और एंड साइमल्टेनियस एंड लिमिट, और हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वन प्लस वाई और वाई प्लस एक्स। सही, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। सही, अच्छा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद पहले जो है वो इसकी ये वाला साइड देखेंगे, फिर ये वाला साइड देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लिमिट होगी हमारे पास रिपीटेड लिमिट और फंक्शन होगा कंटिन्यूस। सही है, तो पहले ये वाली साइड देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लिमिट वाई टेंड्स टू ज़ीरो और फंक्शन हमारे पास है y माइनस x y प्लस x और 1 प्लस x 1 प्लस y, ये फंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ तक कॉपी कर लिया ना, मैं ऊपर वाला फिर मिटा दूँ। यहाँ तक हो गया, इसके बाद जो है वो y की जगह जीरो रख लेंगे क्योंकि लिमिट जो है वो जीरो गिवन है हमें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ पे y की जगह जो है वो जीरो माइनस x और ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस x डॉट है बीच में डिवाइड में वन प्लस ज़ीरो और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो प्लस x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। सही है, अच्छा यहाँ पे रह जाएगा वन प्लस एक्स और ये डिवाइड में वन है तो उसको लिखा नहीं जाता, तो ये इक्वल आएगा, इक्वल आ गया हमारे पास। फिर आ गई लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अच्छा यहाँ से माइनस बचा और यहाँ से वन प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस
वन प्लस एक्स, सही है। अब x की जगह जीरो रख दिया जाए तो यहाँ ये हो जाएगी, x की जगह अगर हम जीरो रख दें तो यहाँ से बचेगा माइनस वन। पहला हमारे पास पार्ट आ गया माइनस वन, इसको याद रख लेना है, इसको मैं साइड पे लिख भी देता हूँ कि ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास माइनस वन, सही। अब दूसरी भी माइनस वन आनी चाहिए वरना जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगी। दूसरी को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे लिमिट y टेंस टू जीरो और लिमिट x टेंस टू जीरो, फंक्शन है हमारे पास y माइनस x, y प्लस x, वन प्लस x और वन प्लस y, डॉट है बीच में, सही। अब इसके बाद जो है इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस पे जो है वो लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट y टेंस टू जीरो, इसके x की जगह जीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस जीरो y प्लस जीरो और डॉट बीच में आ गया वन प्लस जीरो और यहाँ से बचा हमारे पास वन प्लस y, सही। इसके बाद इस y से ये y कैंसिल हो गया, अब जो हमारे पास बचा वो ये बचा कि लिमिट y टेंस टू जीरो और यहाँ से बच गया वन, वन बचा यहाँ से, जीरो के साथ कोई भी साइन हो कोई मसला नहीं है, वन और अपाउंट में है वन प्लस वाई, वन अपाउंट वन प्लस वाई। अब वाई की जगह जीरो रख लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास, वाई की जगह अगर मैं जीरो रख लूँ तो ये हो जाएगा वन अपाउंट वन, जो के बराबर होता है वन के, जो बराबर होता है वन के। ये आ गई हमारे पास दूसरी, अच्छा पहली इक्वेशन आई थी, पहली वैल्यू आती माइनस वन, ये माइनस वन है, दूसरी प्लस का पॉजिटिव का वन है, तो हैंस हम लिख लेंगे यहाँ पे, हैंस रिपीटेड लिमिट नॉट एग्जिस्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सही। इसके बाद जो है